इवेंट मान एनी थिंग दैट हैज हैपन्ड एनीथिंग मेट बी अ ट्रांजेक्शन मे इट बी ए फायर मे इट बी ए बैड डेट मे इट बी एन एक्विजीशन मे इट बी एनी थिंग अकाउंट से रिलेटेड अकरिंग आफ्टर द बैलेंसी डेट अब लेटेस्ट जो बैलेंसी डेट आने वाला है वह इकतीस तीन दो हजार तेईस तो इसको बात करेंगे ना इकतीस तीन दो हजार तेईस लेकर के तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि साल तो गया ही नहीं अभी तक तो हम आपकी बातचीत में इकतीस तीन दो हजार बाईस को लेकर के डिस्कशन करते हैं ठीक है ये साल खत्म हो गया नाउ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस डेट बैलेंस डेट है थर्टी वन थ्री ट्वेंटी टू बैलेंस एज ऑन थर्टी ट्वेंटी टू लिखते हो ना आप लोग बैलेंस शीट एज ऑन तो उस बैलेंस शीट डेट को रिपोर्टिंग डेट भी बोला जाता है बैलेंस शीट डेट भी बोला जाता है ईयर एंडिंग डेट भी बोला जाता है हम लोग क्या पढ़ना बहुत बहुत इज्जत वाला अच्छा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत प्यारा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हा जल्दी खत्म हो जाएगा स्ट्रेस में मत आइएगा बहुत सारा चीज आप पहले पढ़े हुए रिवीजन होगा बहुत सारा चीज आप नया सीखोगे ओके तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंसी डेट माने इस दिन के बाद मतलब से ऑन एंड फ्रॉम 1422 के बाद 1422 भी इसमें है इसके बाद जितने भी इवेंट होते हैं उनको हम इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंसी डेट बोलेंगे फॉर दिस बैलेंस शीट इस बैलेंस शीट के लिए एनी इवेंट That takes place after this date, but sir, till, till भी तो कुछ होना चाहिए unending thodi थोड़ी 2022, 2090 3440 बाईस कुछ तो एंड भी होगा ना वो एंड है बैलेंस शीट साइनिंग डेट तो सर इस बैलेंस शीट का थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा लॉ थोड़ा अकाउंट्स थोड़ा सब कुछ हाँ होश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है होश मत खोइएगा और फुटाने में मत रहिएगा सीखना है जबरदस्त नॉलेज बढ़ेगा अगले बीस बाईस दिनों में इतना सुंदर सुंदर अकाउंटिंग स्टंड मत पूछो ओके सूर्य तो सीखने की मेंटालिटी से बैठिएगा थोड़ा बहुत बोर होंगे बट फिर भी मजा बहुत है तो बैलेंस साइनिंग अब बैलेंस साइनिंग देखो तीस नौ के पहले तो होना ही पड़ेगा तुम बता लॉ को नॉलेज यूज करके लॉ का नॉलेज यूज करके हाँ, तो एजीएम का लास्ट डेट है उसके पहले साला ऑडिट भी होगा ऑडिट के पहले आपको साइन करना है आप साइंड बैलेंस शीट ऑडिटर को देंगे ना तब तो ऑडिटर तो फिर साइन करेगा चाहे वो ट्रू एंड फेयर सर्टिफिकेट दे नहीं दे जो भी करे आपको तो उसके पहले साइन करना है बोलो हाँ तो आप मान के चलो समवेयर आप सत्रह सत्रह क्या ठीक है सत्रह ही लेते हैं सत्रह अगस्त 2022 को आप ये बैलेंस शीट साइन करते हैं यह वाली बैलेंस शीट तीस नौ के पहले तो करना पड़ेगा आप खुद अंदर से मानते हो नहीं तो लॉ का वायलेशन हो जाएगा डायरेक्टर लोग चले जाएंगे जेल जाल दुनिया भर की फिजिकल पैसे वाली पेनल्टी लगेगी वो अलग तो एक नॉर्मल मानते हुए कि भाई ये जो एक अप्रैल से लेकर के 17 अगस्त करीब करीब फाइव एंड हाफ मंथ्स अप्रैल पूरा मई जून जुलाई साढ़े चार महीना साढ़े चार हुआ कि साढ़े पांच साढ़े चार महीना तो ये जो फोर एंड ए हाफ मंथ का पीरियड है ना है ना ये वाला इस पीरियड में जो भी इवेंट होते हैं ियसली अकाउंट से रिलेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पी एंड एल से रिलेटेड बैलेंस सीट से रिलेटेड कोई भी इवेंट अगर होता है ना तो हम लोग उस इवेंट को बोलते हैं कि दीज इवेंट्स आर दी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंसी डेट तो अगर कोई डिफाइन करने बोले ना तो हम लोग बोलते हैं एनी इवेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द बैलेंसी डेट बट बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज कंसिडर्ड एज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंसी डेट एक चार के बाद पर बैलेंस शीट साइन होने के पहले पहले जो भी इवेंट होंगे सिर्फ वही इवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर के परव्यू में आएंगे एकदम क्लियर है अब बच्चे छोटे बच्चे तुम लोग जैसे बीस इक्कीस बाईस साल की उम्र वाले उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन बिना पढ़े अभी बेचारा पढ़ना चालू भी नहीं किया पर क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है दो लाइन सुना दो सौ सु क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के दिमाग में बिचारों के पहला क्वेश्चन आता है अरे सर ये, ये इवेंट तो नेक्स्ट ईयर में हो रहा है ना ये इवेंट तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में हो रहा है ना तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा ना को अभी झमेला कर रहे हो हो सकता है तुम सही हो हो सकता है तुम सही नहीं हो सर कितना परसेंट चांस है हम सही हैं? नाइन्टी फाइव तो सर पांच परसेंट का झमेला अभी जिंदा है इसी के लिए तो यह वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि देयर मे बी सम इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट ईयर मे बी रिलेटेड टू लास्ट ईयर हर जो फ्यूचर में बातें होती हैं वो पास्ट से रिलेटेड होती हैं बोलो हाँ या ना मैंने नॉर्मली ऐसा होता है बोलो हा या ना और अगर वो पास्ट से रिलेटेड हैं तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है आज ना पढ़ोगे पहली बार बेटा जिंदगी में ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका अकाउंटिंग पास्ट में करना पड़े अभी तो बैलेंस शीट साइन हुआ नहीं है तो अभी बैलेंस शीट में तो एंट्री करने का स्कोप है ना पीएल को गिराने बढ़ाने का स्कोप है ना बैलेंस शीट के केिटी को चेंज करने का स्कोप है ना तो हो सकता चेंज करना पड़ जाए बोलो हां हो सकता नहीं भी पढ़े सर आप तो बोले ना नहीं पढ़ने का चांस पंचानबे परसेंट है अभी भी बोल रहा हूं पर पढ़ने का भी तो चांस है ना यार पांच परसेंट और है तो पास्ट से रिलेटेड ही ना फ्यूचर में जो इवेंट हो मुन्ना ऊपर देखो प्लीज बाद में देखना उस ग्राफ व्राफ को वो माइंड क्या क्या माइंड मैप बोलते हैं उसको वो भी देख लेना पीछे में हर एज के पीछे में माइंड मैप दिया हुआ है लास्ट पेजेस में उसको भी देखना अच्छा लगेगा याद रहता है बट अभी तुम पढ़ो हा मेरी बात को सुनो तो क्या होता है ना मुन्ना कि ये जो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंसी डेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं एक का नाम है एडजस्टिंग इवेंट एक का नाम है नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या बोला एक का नाम है एडजस्टिंग इवेंट और एक का नाम है नॉन एडजस्टिंग इवेंट ये पंचानबे परसेंट होते हैं ये पांच लिख मत ना एग्जाम में ये मेरा तेरा बात है ये पांच परसेंट होते हैं नाउ एडजस्टिंग इवेंट नाम से ही तुमको समझ में आ गया होगा कि हम जब ये वाला हाथ देखो मैं ना कोई नीचे नहीं देखा तो एक मिनट भी आप नीचे देखेंगे उतना देर मैं बोलना रोक दूंगा हाँ प्यार से सुनिएगा एकदम अच्छे से एडजस्टिंग इवेंट के नाम से क्या समझ में आ रहा है बताओ इसका एडजस्टमेंट कौन से साल में हो जाएगा पिछले ना बाइस तेईस हा इक्कीस बाईस में हो जाएगा तो इक्कीस बाईस का बैलेंस शीट अभी नहीं बना है क्या नहीं सर साइनिंग नहीं हुआ है तो नहीं बनाए बोल सकते हैं अनसाइंड काम तो नहीं तो बना हुआ बोला जा सकता है ना अभी उसमें एडजस्टमेंट का स्कोप है ना तो बन भी गया तो साइन नहीं हुआ और नहीं तो नहीं बनाया बोल दीजिए तो मेरे पास एडजस्टमेंट करने का स्कोप है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है एडजस्ट करो करके नया बैलेंस शीट बनाओ अगर बन चुका है तो और नहीं बनाए तो बनाओ पर एडजस्ट करके बनाओ फिर डायरेक्टर लोगों को बोलो साइन करेगा अभी तो साइन नहीं किया है ना और डायरेक्टर लोगों को ही तो दिमाग लगाना यार लगाओ डायरेक्टर लोग दिमाग डायरेक्टर लोगों की तो जिम्मेदारी होती है ना बैलेंस शीट पर साइन साइन करना हु हैज द हुजॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट द मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही तो ध्यान देने बोल रहे हैं आप ही तो साइन करोगे बैलेंस शीट को कंपनी की ध्यान दो ठीक है सर देंगे क्या ध्यान देना है कि अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट हुआ इवेंट कब हो रहा है बेटा हा अप्रैल से अगस्त में पर अगर वो एडजस्टिंग हुआ तो उसका 21-22 वाला फिनांशियल ईयर में एडजस्टमेंट होगा लायबिलिटी गिरना होगा तो गिरेगा प्रॉफिट लॉस गिरना बढ़ना होगा तो गिरेगा बढ़ेगा हमको कोई दुख नहीं है हम रेडी हैं गिराने बढ़ाने को हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलता है उसको मानते हैं टू अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो कौन से साल में कुछ नहीं होगा हां 22, 23 में तो होगा ही रे बाबा 22, 23 की तो वो घटना ही है 21, 22 में कुछ भी नहीं होगा क्लियर है तो सर जब कुछ भी नहीं होगा तो काय को पढ़ा रहे हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ कर मत देना क्योंकि जिसका कुछ नहीं होगा तुम कुछ कर दिया तो भी तो गलती हो गया ना जिसमें करना है नहीं किया वो तो गलती है ही जिसमें नहीं करना वहां भी कर दिया तो भी तो गलती है खीर बन रही है नमक नहीं डालना है नमक डाल दिया गलती है ना खीर बननी है चीनी डालना है चीनी नहीं डाला वो भी तो गलती है मैं आगे चलूं सर घटिया एग्जांपल दिए सच बता रहे <laughs> बट बत आगे चलते हैं।